स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हाथों फीता काट कर तहसील महोत्सव का हुआ आगाज। मार्टिनगंज स्थानीय तहसील के कृषक विद्यालय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में तहसील महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 2 दिन क्रमशः 11 व 12 दिसंबर को चलेगा। तहसील महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि वयोवृद्ध स्वतंत्र संग्राम सेनानी श्री लालचंद तिवारी जी तथा जिला अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर तथा माँ सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। तदोत्प्रांत सरस्वती एवं गणेश वंदना की प्रस्तुति मालीगंज के छात्रों द्वारा किया गया। जिला अधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने जिले से दूरस्थ तथा पिछड़े व साधन विहीन क्षेत्र में प्राथमिक व उच्चार प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के द्वारा की गई प्रस्तुति की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा जो सुविधाएं शहरों के छात्रों को मिलती है उसका यदि 100वां हिस्सा इनके खाते में आए तो ये उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अपना मानना है कि ग्रामीणांचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने सही मंच नहीं मिला। मैंने आजमगढ़ महोत्सव का विकेंद्रीकरण प्रत्येक तहसील में 2 दिवसीय तहसील के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने के लिए मंच देने की एक छोटी सी कोशिश किया है। आए हुए अतिथियों का आभार जताते तथा स्वतंत्र संग्राम सेनानी लालचंद तिवारी तथा दोनों की आंखों में दिव्यांग बच्ची सुंदरी सिंह को साल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। दिव्यांग बंची सुंदरी सिंह द्वारा गाये सोहर सोरठा तहसीलदार मार्टिनगंज प्रेम कुमार राय द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन गीत प्राथमिक विद्यालय मार्टिनगंज व उच्च प्राथमिक विद्यालय हरैया के छात्रों द्वारा प्रस्तुत मलखभ के प्रदर्शन की बुरी प्रशंसा। तहसील महोत्सव में कहरवा लोकगीत चैत्र फगुआ राष्ट्रगीत वीर गीत सहित ग्रामीण आंचलों में गाए जाने वाले गीत तथा नृत्य प्रस्तुत हुई, साथ ही खेल कूद का भी आयोजन किया गया। आयोजक उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज धीरज श्रीवास्तव तथा तहसीलदार मार्टिनगंज प्रेम कुमार राय ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के क्रिएटिव डायरेक्टर सुजीता अस्थाना ने बताया कि तहसील महोत्सव में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए 2 सदस्यों की टीम गठित की गई है, जो क्रमशः कौशल त्रिवेदी एवं उमेश कनौजिया हैं, जो बारीकी से सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर आयोजन मंडल को सौंपेंगे। पेश है सुप्रिंटेंडेंट संवाददाता संदीप विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए तो स्वाभाविक रूप से विकास की अवधारणा के प्रमुख घटक उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की मानव संसाधन के लिए गुणवत्ता कैसी है और सभी लोगों को रोजगार के लिए शिक्षा के लिए अवसर की समानता कितनी। और इस महोत्सव को जनता ने स्वयं साकार सार्थक अर्थान्वित दिया और सबसे अधिक यहाँ के स्थानीय लोक कलाकारों ने और हमारे प्यारे बच्चों ने इस महोत्सव की समस्त गतिविधियों में अपनी सहभागिता करके इसको एक इंद्रधनुषी फलक प्रदान किया। इसलिए मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बच्चों किसी भी समाज के विकास के लिए 2-3 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो होती हैं, स्वाभाविक रूप से अवस्थापना सुविधाओं का विकास, बिजली होनी चाहिए। मार्टिन के महोत्सव के बारे में कुछ बताइए। ये जो महोत्सव हो रहा है तहसील एक ही बहुत अच्छा और नेक काम हो रहा है, जो हमारी लोक संस्कृति का लोप हो रहा था उसके लिए ये बहुत ही शुभ अवसर है। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और बहुत ही उनकी प्रस्तुति है और इस मंच के माध्यम से महोत्सव के माध्यम से अपनी कला को जिले स्तर पर प्रदेश स्तर पर और विश्व स्तर पर दिखाने का उनको अवसर मिलेगा। और जो हमारी लोक संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी और तमाम संस्कृतियाँ जन्म ले रही थी उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और जिलाधिकारी आजमगढ़ जो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर रहे हैं और यह कार्य तहसील स्तर पर जो लोग जिले में नहीं जा सकते उनके लिए यहाँ पर हर तहसीलों में कार्य करने का अपनी कला प्रदर्शन करने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों के परफॉर्मेंस को देखकर क्या लगा आपको? बच्चों के
लगा कि बहुत अच्छे अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं और ग्रामीण बच्चों में भी प्रतिभा है और तमाम भी ग्रामीण प्रतिभाएं नीचे से उठकर ऊपर गई है और आशा ही नहीं विश्वास है कि आगे बढ़ के अंतर में जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं राष्ट्रीय विद्यालय प्रतिभा के बच्चे हैं अपना नाम इस जनपद में आगे क्षेत्र में और माटी और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कह सकता हूँ समस्त अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ आगे कार्यक्रमों के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन के लिए आप लोग प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूज्य योगी महाराज जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है यह पहली बार इसमें देखा जा रहा है कि तहसील स्तर पे महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं और इतने बढ़िया तरीके से सबको आमंत्रित करके सबको चाहे विद्यालय परिवार हो चाहे डॉक्टरेट हो चाहे इंजीनियर हो चाहे सबको आमंत्रित करके एक संदेश देने का काम किया है। सर एक सवाल, इसमें सरकार बड़ी तेजी से सड़कों पर ध्यान दे रही है, हमारे जो माटी फूलपुरी मेन मुख्य मार्ग है तहसील मार्ग काफी बड़ी जर्जर हालत में है, निश्चित रूप से आप सब देख रहे हैं। शेर शाह सूरी के बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर आप नाम लेंगे 4 लेन 8 लेन 6 लेन की सड़कें निश्चित रूप से, और आजमगढ़ जनपद जो ये मार्टिनगंज का बता रहे हैं मार्टिनगंज की सड़क को सुदृढ़ हो गई है, इसमें पैसे आवंटन हो गए, टेंडर की प्रक्रिया में बहुत जल्दी इसमें कार्य लोकसभा लोकसभा महोत्सव हमारे जनपद में होता आ रहा है।
प्राथमिक विद्यालय के और जूनियर के बच्चों का मैंने स्वयं जा रहे थे तो डीएम साहब का विशेष आग्रह था कि मलखम्ब वाले कार्यक्रम को आप देख के ही जाएंगे। जब मैं उस कार्यक्रम को देख रहा था तो मुझे पीछे अपना प्राइमरी पाठशाला का बचपन याद आ गया था और मैं उसमें खो गया। मैं कार्यक्रम के लिए इस ढंग का जो आयोजन किए हैं जिलाधिकारी महोदय, मैं उनको भी पार्टी की तरफ से, जनता की तरफ से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सर प्रोग्राम को क्या सोचकर मिले तो कैसा आपने प्रोग्राम देखा बारे में क्या? मैंने बताया कि जब मैं वो कार्यक्रम देखा तो मुझे वो बचपन याद आ गया, प्राइमरी पाठशाला में जब मैं पढ़ता था। जो खेल आप खेले किसी के बारे में बताइए उस खास जो आपको बचपन में लगा हो। ये भैया मैं तैराकी का खेल खेला हूँ, मैं कबड्डी का खेल खेला हूँ, मैं लेजी में और डंबल में जो है अपने संकुल में प्रथम स्थान आता था। सर इस कार्यक्रम में सरकार का भी कुछ प्रोत्साहन है, आपकी पार्टी का प्रोत्साहन? नहीं, ये सरकार का नहीं प्रोत्साहन है, ये शुद्ध रूप से जनता का प्रोत्साहन है और अपने लोक विधा को संरक्षित संचरित करने के लिए और अपने लोक विधा को बिखेरने के लिए जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें रही। सर हमने सुना है आपके यहाँ जनता दरबार लगता है और जनता समस्या का निस्तारण करते हैं। मेरे यहाँ कोई जनता दरबार नहीं लगता, चलने का काम करता हूँ मैं, दरबार लगाने का काम नहीं करता हूँ, जनता की समस्या के लिए निदान करने के लिए उनके साथ चलने का काम उद्देश्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को ग्रामीण बच्चों को बड़ा मंच है और बच्चे लोग सामने जो है अपने गाय से जुड़े हमारा पार्टी की